यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का कटअप जारी कर दिया है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज फाइनल एग्जामिनेशन का कटअप हमें दिख रहा है। जनरल कैंडिडेट की हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो 75.41 रखा गया है, 75.41, अर्थात कि इसमें यदि क्वेश्चंस को हम लोग काउंट करें तो लगभग 37.7 क्वेश्चन हो रहे हैं, अर्थात कि 38 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। हम जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। इस बार जो कट ऑफ कम जानेगा, अर्थात कि 75.41 मार्क्स जाने का जनरल कैंडिडेट का, एक जो सबसे बड़ा रीजन देखा गया था कैंडिडेट के ही द्वारा, ये बताया भी गया था कि जो 33% मार्क्स है पेपर टू में, अर्थात कि सीसेट में, कई स्टूडेंट जो इस मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले आ रहे थे लेकिन वो सेकेंड पेपर में 33% मार्क्स नहीं ला रहे थे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो केवल और केवल पेपर वन को कंसीडर करके मार्क्स को देखा जाता है और मिनिमम मार्क्स रखा गया है पेपर टू के लिए 33% मार्क्स। तो यही 33% मार्क्स, अर्थात कि लगभग 67 मार्क्स जो है पेपर टू में ले आना ज़रूरी है। और यदि कोई कैंडिडेट 200 मार्क्स में 67 मार्क्स नहीं ले आता है पेपर टू में तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो ये 2023 का कट ऑफ था। इसके प्रीवियस ईयर में हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं, 2022 का जो कट ऑफ था वो जनरल कैंडिडेट का जो था 88.22, अर्थात कि लगभग जो क्वेश्चन है वो 44 समथिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, अर्थात कि 45 क्वेश्चन जो था वो 2022 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ थे। तो कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो पेपर वन और पेपर टू पर सामान्य तरीके से वो फोकस करें।